मैं अपने श्रोताओं को ही बताना चाहता हूं कि जी हम फोन पर जूनियर महमूद साहब से बात कर रहे हैं। जी भाई, आपसे जानना चाहेंगे, आप दोबारा रिपीट कर दीजिए कि आपको झिड़का और फिर उसी सेट के ऊपर उन्होंने बप्पी सोनी साहब ने। जी जी हाँ, तो मुझे पता चला जब जीपी सीपी साहब के ऑडिशन है, बच्चे चाहिए, तो मैं भी चला गया और मेरी मुझे देखते ही बप्पी सोनी के असिस्टेंट ने पहले झिड़का मुझे, बड़े दफा हो जाओ, शक्लें ले लेके आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से क्या है क्या है। मैं लौट के आया तो अम्मी हमारी बुरखा ओढ़ती थी, बेचारी बाहर खड़ी हुई थी, बोले क्या हुआ? मैं कहा मुझे निकाल दिया। तो बोले जरूर तुमने कुछ बकवास की होगी अपनी, तेरी जबान तो मंद रहती नहीं है, यूं यूं यूं। मैं कहा नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो पता नहीं वो बेअदब आदमी था, उसने मुझे निकाल दिया। मैं गुस्से में अपने बाल बनाने लगा, सर यूं कह लीजिए कि उस दौर में वो मेरा मैनरिज्म होगा बाल बनाना, जैसे मैं जेब में कंघे रखे और बड़े स्टाइल से बाल झटकना वटकना, वो सारी चीजें नोट की बकरी सोने साहब ने उसके बाद, और जैसी नोट की तो उन्होंने उसी असिस्टेंट को बोला कि जाइए और उस बच्चे को मेरे पास लेके आइए। वाह 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 जी। तो फिर मैं चला गया और फिर आपकी दुआ से तारीफ बनती चली गई। अनु भाई, आज ये कि आप जैसे मायनाथ इतने बड़े फनकार मुझसे बात कर रहे हैं फोन में, मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं आप, क्या मैं बताऊं आपको, मुझे कितनी शोहरत कितनी दुआओं के साथ मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं। भाई ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमसे फोन पर बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं अपने सभी श्रोताओं को जो ये कार्यक्रम 92.7 बिग एफएम पे सुन रहा है याद दिला दूं कि फोन पर आज हमारे साथ मौजूद हैं नईम मोहम्मद साहब, नईम अहमद साहब, जिन्हें सारा खल्क सारा जमाना जूनियर महमूद के नाम से जानता है, और सबब है आज बाल दिवस मना रहे हैं। तो अभी आपने उनसे सुना कि किस तरह से वो गंडाबंद शागिर्द बन गए ग्रेट महमूद साहब के, महमूद साहब ने उनको एक्सेप्ट किया अपने शागिर्द के तौर पर और उन्हें नाम दे दिया अपना जूनियर महमूद। लेकिन अब हम जूनियर महमूद साहब से जानेंगे, जूनियर महमूद तो बन गए, ये ले जूनियर महमूद स्टार कब बने, हाईएस्ट पेड चाइल्ड स्टार। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।